अरविंद केजरीवाल के साथ राहुल गांधी ने भले ही गठबंधन नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी को केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलना बहुत अच्छा लगता है। आपको याद होगा कि कैसे केजरीवाल ने एक एक करके कई नेताओं को बेईमान साबित कर दिया था, और जब नौबत जेल जाने की आई तो एक एक से लिखित माफी मांग ली। बात खत्म। अब राहुल गांधी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। राफेल मामले में पीएम मोदी को चोर साबित करने पर आमाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मोदी को चोर कह दिया, तो कोर्ट से मौखिक और लिखित माफी मांगनी पड़ी। अब वे इसी चक्कर में चुनाव आयोग के चक्कर में फंस गए हैं। आयोग ने उन्हें नोटिस थमा दिया और 48 घंटे में जवाब मांगा है। राहुल गांधी नहीं देंगे तो आयोग अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। राहुल गांधी ने शहडोल की सभा में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने एक कानून बनाया है, जनजातियों के लिए नया कानून बनाया गया है, जिसमें एक पंक्ति लिखी हुई है कि अगर जनजातियों पर हमले किए जाएंगे, आपकी जमीन ले ली जाएगी, आपका वन ले लिया जाएगा, आपका पानी छीन लिया जाएगा। राहुल गांधी की ये सरासर झूठी बात बीजेपी को समझ नहीं आई और वे चुनाव आयोग के दरवाजे पर जा पहुंचे। अब राहुल गांधी को ये बताना होगा कि मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा कानून बनाया है और उसमें ये बात जो उन्होंने कही कहाँ लिखा हुआ है। असल में राहुल गांधी का इरादा साफ है कि जैसे भी हो चुनाव जीतो। लगातार और बेहिसाब झूठ बोलने से काम चले तो भी कबूल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कर्नाटक में जब कांग्रेस और जेडीएस की विचित्र सरकार बनी थी, विचित्र इसलिए कि सिर्फ बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए दो कट्टर राजनीतिक दुश्मन एक हुए और खुद से बहुत कम विधायकों वाली जेडीएस को सीएम की कुर्सी कांग्रेस ने थमा दी। बेंगलुरु में तब पूरे देश से विपक्षी नेताओं की परेड कराई गई और मोदी के खिलाफ महागठबंधन का ऐलान किया गया। खैर, कोई महागठबंधन न होना था और न हुआ, लेकिन अब दोनों पार्टियों में खटपट शुरू हो गई है। जेडीएस कोटे के मंत्री जीटी देवगौड़ा ने साफ कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैसूर तथा अन्य जगहों पर बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को नहीं। मतलब कर्नाटक में न तो कांग्रेसियों ने जेडीएस को और न जेडीएस ने कांग्रेस को वोट किए। दोनों ने एक दूसरे को निपटाने के लिए बीजेपी को वोट दिए। जीटी देवगौड़ा ने उद्भुत सीट का जिक्र करते हुए कहा कि वहां किसी पंचायत चुनाव की तरह वोटिंग हुई। कांग्रेसियों ने कांग्रेस को और जेडीएस वालों ने बीजेपी को वोट दिए। दूसरी कई सीटों पर भी यही खेल हुआ। जीटी देवगौड़ा के इस खुलासे के बाद कांग्रेस के हाथों के तोते उड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने कहा कि ये गठबंधन सरकार के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी खुश है कि दोनों की लड़ाई में फायदा उसे मिल रहा है। मतलब कर्नाटक का नाटक नतीजों के बाद जमकर शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कोलकाता में अमित शाह ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फॉर्मूला बताया। सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई तो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब कि कश्मीर में जिस वजह से इतना उत्पात मचा है, जिस वजह से कश्मीरी नेता हर दूसरे दिन नौटंकी करते हैं, उस वजह को ही खत्म कर दिया जाएगा। ये वायदा पूरे देश से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बंगाल से 30 सीटों की दरकार है। अगर बीजेपी बंगाल से 30 सीटें जीतती है तो अनुच्छेद 370 का अंत तय है। अमित शाह बंगाल में पहुंचे तो ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर लिया और कहा कि कश्मीर को भारत से अलग करने की मंशा रखने वाले नेताओं में एक ममता बनर्जी भी हैं। अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला के 2 PM वाले बयान पर भी ममता बनर्जी से अपना रुख साफ करने को कहा। घुसपैठिए को अमित शाह ने एक ऐसा दीमक बताया जो देश को खोखला कर रहे हैं।
अगर बीजेपी सत्ता में वापस आई तो सारे घुसपैठिए निकाल बाहर किए जाएंगे। अमित शाह के पहले पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रियंका वाड्रा पर खूब तीर चलाए। अखिलेश ने प्रियंका वाड्रा के वोट काटने वाले उम्मीदवार खड़े करने वाले बयान उन्हें आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव को प्रियंका के इस बयान में उनकी मजबूरी दिखी, मतलब फिसल गए तो हर गंगे। अखिलेश ने इसी बात को अपने अंदाज में कहा कि कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट नहीं उतारे, अब जनता ही कांग्रेस को वोट नहीं दे रही है, तो ये कहकर प्रियंका कांग्रेस का बचाव कर रही हैं। अखिलेश ने साफ कहा कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं कि कोई पार्टी सिर्फ वोट काटने के लिए कैंडिडेट उतारे, ये सब महज बयानबाजी है। प्रियंका वाड्रा ने अमेठी में कहा था कि कांग्रेस ने बीजेपी का वोट काटने के लिए कई सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, जिससे गठबंधन की राह आसान हो जाए। हालांकि बीजेपी प्रियंका के बयान को ये कहकर भुना रही है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि उसने वोट कटवा कैंडिडेट उतारे, लेकिन अखिलेश को ये बात चुभ गई और उन्होंने प्रियंका वाड्रा को निशाने पर लिया। जानकार बताते हैं कि प्रियंका ये कहकर सिर्फ अखिलेश और मायावती की सहानुभूति हासिल करना चाहती थी, जिससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मदद हो जाए, लेकिन अखिलेश के इस बयान के बाद लगता है कि प्रियंका का ये दाव भी उल्टा पड़ गया। इसके साथ मैदान में कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार हैं, उन्हें लोगों ने वोट कटवा मान लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के सितारे कुछ ठीक नहीं लगते, वे किसी न किसी वजह से लगातार फंसते जा रहे हैं, कभी कोर्ट तो कभी चुनाव आयोग। अब एक नया मामला और उठ खड़ा हुआ है जिसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ये मामला उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर है। अब कांग्रेस भले ही इस बात को सिरे से नकारे और कहे कि अरे कोई सवाल ही नहीं उठता, राहुल गांधी खाटी भारतीय और जनेऊधारी कौल गोत्रीय ब्राह्मण हैं। प्रियंका भले ही इस सवाल को महज बकवास बता दे, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उसने सुनवाई करने के लिए हामी भर दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा और वहाँ राहुल गांधी को ये साबित करना होगा कि वे ब्रिटिश नागरिक बने या नहीं। राहुल गांधी की नागरिकता वाली याचिका में कहा गया है कि जिस शख्स ने अपनी मर्जी से ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है, उसे संसद की सीट भरने के लिए अमेठी या फिर वायनाड से चुनाव लड़ने की इजाज़त क्या दी जा सकती है। याचिका में ये साफ लिखा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बैक ऑफ्स नामक कंपनी ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया। इसके पहले होम मिनिस्ट्री ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर नागरिकता वाले मसले पर 15 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा था। अदालत में अगर ये बात साबित हो गई कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल की है, तब कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा और फिलहाल उनके पीएम बनने का सपना टूट कर बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी के अखिलेश यादव बड़े पहुंचे हुए नेता हैं। फिलहाल मायावती के साथ बुआ बबुआ का खेल खेल रहे हैं और बुआ जी को खुश करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ भी कभी कभार बोल ही देते हैं। लेकिन बोलने से क्या है, दिल में एक कोना कांग्रेस के लिए तो बचा कर रखा ही है। सुबह प्रियंका गांधी पर तीखी टिप्पणी की और दोपहर होते होते रायबरेली में एसपी की सभा में प्रियंका को खास तौर पर बुला लिया गया। वहां प्रियंका गांधी पहुंची सपा के सिपाहियों को सियासत का ज्ञान देने, लेकिन मायावती के तेवर तल्ख हैं। कांग्रेस के लिए उनके मन में कुछ भी नहीं, लेकिन अखिलेश के इस खेल के बाद इस बात की चर्चा है कि बबुआ नतीजों के बाद बुआ से किनारा तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश और राहुल गांधी के बीच गहरी दोस्ती थी। लेकिन राजनीति में क्या दोस्ती और क्या दुश्मनी, सो अखिलेश बुआ जी के साथ कभी भी दोस्ती दुश्मनी वाला ये खेल खेल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश कांग्रेस के साथ आग पानी का खेल खेल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि उनका इरादा दो नामों की सवारी करने का है।
अब जाने बुआ मायावती और उनकी पार्टी, लेकिन इस खेल में बीजेपी की चांदी ही चांदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। वाराणसी में 19 मई को मतदान होने हैं और लगातार इस सीट को लेकर उठा पटक मची है। पहले बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव ने निर्दलीय नामांकन भरा, फिर एसपी के टिकट पर नामांकन भरा और कुछ ही देर के भीतर गलत जानकारी की वजह से उनका नामांकन रद्द हो गया। अब बच गई हैं समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव, जो मोदी के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। तेज बहादुर तो मोदी के सामने तेजी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन उन्होंने शालिनी यादव को समर्थन देकर मोदी को हराने की बात कही है। गठबंधन की प्रत्याशी शालिनी यादव ने तेज बहादुर से मुलाकात की, उन्हें राखी बांधी और तेज बहादुर से जीत का आशीर्वाद लिया। लेकिन सियासी भाई बहन मिलकर भी मोदी को हरा पाएंगे ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के अजय राय अलग ही ताल ठोक रहे हैं। मतलब सीधा है, गठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच एक ही कैडर का वोट बट जाएगा और मोदी का रास्ता आसान हो जाएगा। अखिलेश, मायावती, राहुल, प्रियंका, इन सबको पता है कि मोदी को हराने की बात इतनी आसान नहीं है। ऐसे में इतना तो साफ है कि मोदी को हराना नहीं चाहते, बल्कि ये लोग मोदी को काशी से फिर से जिताना चाहते हैं। क्योंकि अगर मोदी को हराने की अगर ठीक से कोशिश होती तो पहला दांव यही होता कि दोनों तरफ से किसी एक प्रत्याशी को वापस बैठा दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।